अच्छा सर, आपके 14 लोग कत्ल हो गए, उनको सरेआम गोलियां मार दी गई। आपने कहा कि जब तक शरीफ खानदान बरसर इकतदार है हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, लेकिन अब वो बरसर इकतदार नहीं है। अभी टाइम था कि आप कंपेन करते उनके खिलाफ, उनको लोगों को बताते कि ये कातिल हैं, तो आप बाहर आ गए, अभी कोई खामोशी होगी आपकी तरफ से? ये बड़ा अजीब सा सवाल है। जब तक कानून मुतहर्रिक नहीं था, हम स्ट्रगल करते रहे, कंपेन भी चलाई और एहतजाज भी किए, इज्तिमा और धरने हुए। अब कानून मुतहर्रिक हो चुका है, जब अदालतें और कानून मुतहर्रिक हो गए तो फिर ऐसे इकदामात का जवाज़ नहीं होता। हमारी हर रोज़ की बुनियाद पर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेशियां चल रही हैं, हर रोज़ की बुनियाद पर समाअत हो रही है, और हाई कोर्ट में जहां शरीफ बिरादरान समेत इनके वज़रा और सियासी लोगों की तलबी की केस चल रहा है, उसमें हमारी बहसें मुकम्मल हो चुकी हैं, फ़ैसला महफूज है। हम इंतज़ार में हैं, किसी वक्त उसका फ़ैसला आ जाएगा कि उनके ख़िलाफ़ समन हो जाएं और वो भी शामिल है तफ्तीश हो जाए। शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीरे आला पंजाब नहीं है, उनकी जो पूरी टीम थी वो भी कोई ECL पे है और कोई मुल्क से बाहर है, ज़्यादातर उनकी जो टीम है वो पाकिस्तान में है, तो मॉडल टाउन के शहदा को इंसाफ कितनी देर में मिल सकता है? ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का जो कानून है और जो निज़ाम है उसके अंदर गुंजाइश ही नहीं है कि इंसाफ जल्द मिले मज़लूम को। ये बड़ा तवील प्रोसेस है। आप हर वक्त ख़ुद खबर नशर करते रहते हैं कि किसी को 50 साल के बाद इंसाफ मिला है, किसी को 25 साल के बाद। एक प्रोसेस है। सिर्फ मसला ये है कि हम चूँकि इस मामले में हमने सरेंडर नहीं किया, न कभी करेंगे, मगर कानून जब तक न बदले उस वक्त तक आप जल्दी नहीं ले सकते इंसाफ। हमने कानून के निज़ाम के मुताबिक लेना है, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं, जंग जारी रखे हुए हैं, कई वकला हमने हायर किए हुए हैं, दहशतगर्दी एंटी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी और हाई कोर्ट में भी। अब ये पहले यहाँ फ़ैसला होगा, फिर अपीलों में जाएंगे, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो कानून अपना वक्त लेगा, मगर हम इंशाअल्लाह आखिरी लम्हे तक अपनी कानूनी जंग हुसूल इंसाफ और हुसूल किसास के लिए जारी। अच्छा सर, आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, आपकी जमात ने, अभी नवाज शरीफ साहब भी मुख्तलिफ अदारों पर कह रहे हैं कि मुदाखलत की जा रही है, कभी वो ISI का नाम लेते हैं, कभी खलाई मखलूक कहते हैं, कभी वजारत ठीक है, तो अभी क्या देखिए, दोनों के स्टैंड पॉइंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा इंतखाबात में हिस्सा न लेना, किसी की मुदाखलत और अदम मुदाखलत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो एक उसूली और नज़रियाती स्टैंड है कि हम ये समझते हैं कि निज़ाम बदले बग़ैर, कड़ा एहतसाब हुए बग़ैर और असलाहत हुए बग़ैर इस मुल्क के इंतखाबात, इस मुल्क की तकदीर बदलने में और आवाम तक उनके हकूक़ पहुँचाने में कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। हमारा तो एक स्टैंड, चूँकि दिसंबर 2012 से लेकर जनवरी 2013 के धरने से लेकर और हमारी शहादतें और 2014 के धरने, हमारा तो एक उसूल का रहा है कि हम इस मुल्क में महज इंतखाबात बग़ैर एहतसाब और असलाहत के उसमें खैर देखते ही नहीं हैं। सो हम तो अपने उसूली तौर पर इसमें हिस्सेदार नहीं बने। अब रह गया नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि मुदाखलत हो रही है, इस मुदाखलत के निज़ाम का बानी कौन है? सारी ज़िंदगी इंतखाबात में मुदाखलत को रिवाज किसने दिया है? उम्र भर वो करते रहे हैं, अब चीखते क्यों हैं? जब ऐसा करते रहे हैं तो ठीक था, अब ऐसे को तैसा हुआ है तो अब उनको बुरा लगने लगा है, तो जो ऐसा करेगा उसको तैसा भी होगा, उन्हें भुगते। अगर आप सियासी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो 10 साल से आप सियासी सिस्टम से बाहर हैं, तो फिर इसको एक चैटी के तौर पे चलाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारा एक उसूल था, हम इंतखाबात के हक में हैं, जमहूरी अमल के हक में हैं, हमने कभी उसूली तौर पे इंतखाबी अमल और जमहूरी अमल को मुस्तरद नहीं किया, मगर हमारा उसूल ये है कि इंतखाबात सही जमहूरियत के आईनादार हो ही उस वक्त सकते हैं जब तक करप्ट लोगों का, गुंडों का, दहशतगर्दों का, बदमुआशों का, लुटेरों का, डाकुओं और चोरों का एहतसाब हो। जब उनका एहतसाब नहीं होगा, आप देखें ना, वही एक बिरादरी है इस मुल्क में, इलेक्टेबल का एक ग्रुप है, अब उनके बगैर कोई जमात इलेक्शन लड़ नहीं सकती। इलेक्टेबल जिस जमात में चाहते हैं, जमातें सिर्फ टिकट देने का टूल बन गई हैं, उनको असम्बली तक पहुंचाने का एक कैरियर बन गई हैं जमातें, उनको टिकट देती हैं, और जमातों के पास टिकट देने के अलावा कोई रोल और कोई किरदार नहीं रहा। लड़ने वाले वही हैं जो नून लीग के ज़माने भी थे, उससे पहले भी थे, उससे पहले भी थे, और हमेशा से चले आ रहे हैं। जब असम्बली के मेंबरान, जिन्होंने इस मुल्क के आइन को बर्बाद किया, जिन मुल्क के कानून को बर्बाद किया,
قانون کی بالادستی کو ختم کیا، جنہوں نے کرپشن کو رواج دیا اور عوام کے حقوق کو پامال کیا، وہی طبقہ ہی الیکشن لڑتا چلا آ رہا ہے اور آج بھی وہی کھڑا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس نظام میں تبدیلی نہیں آئے گی، نظام کا حصہ بن گئے تو ہم تو جرم اور گناہ کے شریک ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کو اس سے پاک رکھ کر اپنی نظریاتی جنگ جاری رکھیں۔ آپ کا جو اشارہ ہے وہ لگتا ہے عمران خان کی طرف ہے، انہوں نے کافی سارے لوگ جو ہے دیگر پارٹیوں سے لیے۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں، میرا اشارہ کسی ایک فرد کی طرف نہیں ہے، میرا اشارہ اس پورے نظام کی طرف ہے، جو نظام الیکٹیبلز کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی جماعت الیکٹرز کے بغیر الیکشن لڑ ہی نہیں سکتی، جیتنے کی دور کی۔ تو وہی اسمبلیاں جو ختم ہوتی ہیں، وہی ڈاکو چور لٹیرے پلٹ کے مختلف جماعتوں کی ٹکٹ کے ذریعے پلٹ کے اسمبلی میں آ جاتے ہیں۔ عوام اس ملک کے حصے میں شریک نہیں ہے۔ جس ملک میں، جس نظام میں عوام کے پاس صرف 5 سال کے بعد ووٹ کی پرچی ڈالنے کا رائٹ ہو اور اس کے علاوہ اس کا کوئی حق اس ملک میں نہ ہو، میں اس نظام میں کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور ریاست کے خلاف ہے۔ اس کو کیا آپ جمہوریت کی جنگ سمجھ رہے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار چھن جانے کی جنگ ہے؟ ان کی جنگ کا کوئی دور دور تک تعلق جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو جمہوریت دشمن ذہنیت کے حامل ہیں۔ اقتدار چھن جانے کی درد ہے، اس کے لیے چیخ ہے۔